उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा वो इमिच्योर होगा सारे का सारा, सही है, इमिच्योर न्यूक्लियस होगा। अब जब न्यूक्लियस की इमिच्योरिटी है तो हमारे पास क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आएगी, जो क्रोमैटिन है, सही है, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं ना वो सारे के सारे क्रोमैटिन वगैरह, तो वो क्रोमैटिन की जो पैकिंग है वो मुतासिर होगी, क्रोमैटिन जो होता है ना वो ओपनड होगा, खुल जाएगा एक किस्म का, मतलब क्वाइल्ड होता है ना टाइटली पैक्ड होता है वो खुले रहेगा, और इसकी जो है ना वो क्वाइलिंग के अंदर सारे का सारा हमारे पास मसला आ जाएगा। जब ये सारे का सारा क्रोमैटिन के रिलेटेड मसला आएगा इमेच्योर न्यूक्लियस की वजह से हमारे पास अब क्या क्या कंडीशंस आएंगी वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब पैथोजेनेसिस के ऊपर मैं थोड़े से बात कर लेता हूँ, इसकी बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मतलब आपने बच्चों वाली बातें ही करनी है। पैथोजेनेसिस की आपने हेडिंग देनी है, सबसे पहले न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंकरी जो है ना आपके पास बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म क्या है, ए सिंक्रोनी, ठीक है, ए सिंक्रोनी हो गया, मतलब साइटोप्लाज्म तो उस सेल का मेच्योर हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स, लेकिन जो उसके अंदर मेन न्यूक्लियस है ना वो मेच्योर नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ए सिंक्रोनी। अब हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा, अब जो इसके पास इमेच्योर न्यूक्लियस है ना ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट तो होगा लेकिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इमिच्योर है तो ये इनलार्ज होगा, ठीक है, इनलार्ज होगा, और ये मसला सबसे पहले कहाँ कहाँ पे नज़र आता है, देखो अब बोन मैरो के अंदर जो है ना वो वहाँ से मसला शुरू हुआ ना सारे का सारा, सबसे पहले जो है ना हमारे पास आरबीसीज मुतासर होंगे, उसके बाद फिर ना जब ये ज़्यादा मसला गंभीर हो जाएगा तो डब्ल्यूबीसीज और जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ना सारे के सारे वो भी फिर इन्वॉल्व होना शुरू होगा, उनके जो है ना वो न्यूक्लियाई वो भी थोड़े से ना डगमगाने लग जाएंगे, फिर डीएनए जो है ना इसकी वजह से क्या होगा, डीएनए प्रॉपरली फॉर्म्ड कभी नहीं होगा, सारे का सारा डीएनए का ही रोल आया, तो कभी भी डीएनए इसका प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं होगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कर लिया, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ए सिंक्रोनी हो गया। नंबर सेकंड पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हेडिंग लगा के आपने लिख देना है इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, मतलब ब्लड की जो आरबीसीज की सिंथेसिस है वो इनअफेक्टिव है, इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो गया, ठीक है। इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस के अंदर हम अब क्या डिस्कस करेंगे, आपने कहना है जनाब इसके अंदर सिंथेसिस ऑफ आरबीसी सारे की सारी जो है ना ए टू जेड डिस्टर्ब होगी, वजह क्या है, उसकी जो मेन मशीनरी है वही डिस्टर्ब है, तो इन उसको जब डिस्टर्ब आप डी आरबीसीज की सिंथेसिस करेंगे तो उसके हम कहेंगे इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, बुक के अंदर सेम ऐसे ही लफ्ज लिखा हुआ है। अब